किरण एक गरीब परिवार में जन्मी हुई लड़की थी। बचपन से ही उसे सूखी रोटी खाने को मिली थी। ऐसा कोई ही दिन होता था जब किरण को अपने घर पर दाल चावल खाने को मिलते थे। ऐसे ही एक दिन किरण की माँ शोभा उसे आवाज लगाती है और कहती है, देख खाना बन गया है, आजा। आई माँ आई, क्या बनाया है? आज दाल चावल बनाए हैं बेटा। दाल चावल? सच्ची? दाल चावल का नाम सुनकर किरण के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाती है। तभी शोभा प्लेट में गर्म गर्म दाल चावल परोस कर किरण को देती है और किरण दाल चावल चखकर कहती है, माँ आपके हाथ के दाल चावल का तो मुकाबला कहीं नहीं है। सच में इतना स्वाद है ना इसमें माँ, दिल करता है बस खाती जाऊँ खाती जाऊँ खाती जाऊँ बस खाती जाऊँ। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी कोई अच्छे से मसाला भी नहीं डाल पाती हूँ और तड़का भी तैयार नहीं कर पाती हूँ। बस हम गरीब के घर जो होता है उसी से बना लेती हूँ। माँ वो सब मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे इतना पता है कि जो स्वाद आपके दाल चावल में है वो किसी और चीज में नहीं है। माँ आप मुझे भी ये बनाना सिखा दो प्लीज। अपनी माँ की बात सुनकर किरण आराम से दाल चावल खाने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। किरण अपनी माँ से दाल चावल बनाना सीख लेती है और अपनी माँ की मदद करने के लिए किरण अपने घर के पास फूलन नाम की एक बड़ी मालकिन के यहाँ काम करने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन फूलन किरण से कहती है, अरे किरण बेटा सुन, एक काम कर दे। हाँ जी मालकिन, कहिए ना, क्या काम है? सुन बेटा, आज मेरा दाल चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो तू मेरे लिए दाल चावल बना दे। जी मालकिन, जैसा आप कहो, अभी बना देती हूँ। हाँ जल्दी बना दे। फूलन की बात सुनकर किरण जल्दी से रसोई में जाती है और दाल चावल बनाना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में किरण गरम गरम दाल चावल बनाकर फूलन को देती है और फूलन जैसे ही किरण के हाथ के बने दाल चावल चखती है तभी फूलन कहती है, अरे वाह किरण, तेरे हाथों में तो जादू है बेटा, जादू। सच में आज से पहले मैंने इतने अच्छे दाल चावल कभी नहीं खाए। शुक्रिया मालकिन, ये दाल चावल मैंने अपनी माँ से बनाना सीखे हैं और उनके हाथ का स्वाद इतना अच्छा है कि बस क्या ही कहूँ। सच में किरण, ये दाल चावल बहुत अच्छे हैं। जा जाके मेरे लिए तो तू और ले आ। कि फूलन की बात सुनकर किरण रसोई में बचे हुए दाल चावल भी ले आती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। फूलन का अब जब भी मन करता वह किरण से दाल चावल बनवा कर बड़े ही चाव से खाया करती। ऐसे ही बढ़ती उम्र के साथ शोभा की तबीयत खराब होने लगती है और एक रोज शोभा किरण से कहती है, किरण बेटा मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगता है कि तेरे हाथ पीले करने की उम्र में तेर से ही लोगों के बर्तन धुलवा रही। बेटा मुझे ना माफ कर दे, मैं तो तुझे अपनी चौखट से विदा भी नहीं कर पाई और मेरी यह हालत हो गई। बेटा मेरे जाने के बाद तू अपना ख्याल रखना। और हाँ बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू मेरे जाने के बाद भी लोगों के घर काम करे। माँ आप कैसी बातें कर रही हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप मेरे साथ रहोगी माँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। किरण इतना बोल ही रही होती है कि तभी शोभा की सांसें तेज हो जाती है और वो वही अपना दम तोड़ देती है। अपनी माँ के जाने के बाद किरण एकदम अकेली हो जाती है। ऐसे ही एक दिन किरण हाथों में गठरी लिए फूलन के घर जाती है और कहती है, मालकिन आप अपने घर के काम के लिए कोई और लड़की तलाश लो, अब मैं आपके घर का काम नहीं कर पाऊंगी, मैं हमेशा के लिए ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। पर ऐसा क्यों किरण बेटी, क्या हो गया, ऐसे क्यों जा रही हो? मालकिन आपको तो पता ही है कि अब माँ तो इस दुनिया में रही नहीं और माँ के अलावा मेरा कोई और था भी नहीं, अब मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी, इसलिए मैं काम की तलाश में यहाँ से दूर जा रही हूँ। यहाँ पर तो कोई काम नहीं है और हमेशा घर का काम करके ही मेरी जिंदगी नहीं चल सकती, इसलिए कुछ नए काम की तलाश में जा रही हूँ। अरे बेटा तुझ में गुणों का भंडार है, तू अपने आप को पहचान नहीं पा रही। अरे भूल गई बेटा, तेरे हाथों में कितना स्वाद है और तू कितने अच्छे दाल चावल बनाती है। मेरे पास एक तरकीब है बेटा। कैसी तरकीब मालकिन?
नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू ये जगह छोड़कर मत जा। तुझे पैसे की जरूरत है तो पैसा मैं दूंगी, उधार समझकर रख ले और उससे अपना दाल चावल का ठेला लगा ले। सारा सामान और बाकी सब मैं करवा दूंगी। बस फिर जब तेरा काम बढ़िया चलने लगे तो तू बेटा वापस लौटा देना। लेकिन अगर ठेला नहीं चला तो फिर मैं आपके पैसे कैसे लौटा पाऊंगी? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता मेरी बेटी कि तेरे हाथ की बने दाल चावल लोगों को पसंद ना आए। बस तू काम करना शुरू कर, ठीक है? और हाँ, आज से तुम मेरे घर पर ही रहेगी। फूलन की बात सुनकर किरण खुश हो जाती है, जिसके बाद फूलन किरण को उसका दाल चावल का ठेला लगाने के लिए सारा सामान और ठेले का बंदोबस्त करके देती है। अपनी माँ और भगवान का नाम लेकर किरण ठेले की शुरुआत करती है, जिसका नाम होता है माँ के दाल चावल। किरण को ऐसे बाजार में ठेले के साथ खड़े होते हुए बहुत हिचकिचाहट महसूस होती है। तभी थोड़ी देर होती है और वहाँ कॉलेज का एक लड़का दिनेश आ जाता है। अरे वाह, माँ के दाल चावल! दीदी आपको पता है मैं अपने घर से दूर पढ़ाई करने के लिए यहाँ आया हूँ, और यहाँ मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ के दाल चावल मिस करता हूँ, और आज आपको ये ठेला लगाते हुए देख बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मुझे भी मेरे माँ के हाथ के दाल चावल बहुत पसंद थे, इसलिए उनके जाने के बाद मैंने उनके नाम से ये ठेला खोला है। ऐसा करिए, आप एक प्लेट दाल चावल दे दीजिए मेरे को, अभी बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी देती हूँ, आप बैठो। किरण जल्दी से गरम गरम दाल चावल उस लड़के को देती है और लड़का दाल चावल खा कर बोलता है, सच में दीदी मुझे तो ये दाल चावल खा के अपनी माँ की याद आ गई, वो भी आपकी तरह ही दाल चावल बनाती है। अब मुझे जब भी अपनी माँ के खाने की याद आएगी मैं यहाँ चला आऊँगा आपके हाथ के दाल चावल खाने। हाँ हाँ, जरूर आना। उस लड़के को खुश देख कर किरण बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही एक आदमी किरण के पास आता है और बोलता है, अरे बेटा एक प्लेट गरम गरम दाल चावल दे दो। जी हाँ जी हाँ जी, अभी देती हूँ। इतना कहकर किरण जल्दी से उस आदमी को एक प्लेट दाल चावल दे देती है। आदमी जैसे ही किरण के हाथ के दाल चावल खाता है वह खुशी से बोलता है, बहुत अच्छे बेटा, बेटा बहुत स्वाद दाल चावल है तुम्हारे। जितना अच्छा तुम्हारे दाल चावल का स्वाद है उतने ही अच्छे तुम्हारे संस्कार भी हैं। देखा मैंने तुम्हारे ठेले पे क्या लिखा हुआ है, माँ के दाल चावल। सच में ऐसे ही हर दिन मेहनत करके खाओ बेटा, बहुत आगे जाओगी मेरी बेटी। ऐसे ही वह आदमी देर तक किरण से बात करता रहता है, जिसके बाद वह 5 प्लेट दाल चावल पैक करवा कर अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और किरण का काम अच्छा चलता जाता है, साथ ही फूलन का सारा कर्ज भी चुकता हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वह आदमी किरण के ठेले पर फिर से आता है, जहां फूलन पहले से ही मौजूद होती है। फूलन को देखकर वह आदमी बोलता है, अरे फूलन जी, आप यहाँ दाल चावल खाने आई हैं क्या आप भी? जी नहीं, ये मेरी दोस्त की बच्ची है। माँ के गुजर जाने के बाद इसके पैरों पर खड़े होने में मैंने बस इसे थोड़ा सा सहारा दिया है। मेरी बेटी ही है ये। अच्छा अच्छा बेटा, किरण फूलन मेरी मुंह बोली बहन है, और मुझे अच्छा लगा कि फूलन जी तुम्हारे साथ हैं। और बेटा आज मैं तेरे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। जी कैसा ऑफर? बेटा मेरा बहुत बड़ा कारखाना है, जहाँ मैं मजदूरों को 2 वक्त का खाना देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कारखाने में काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए खाना बनाओ। इसके बदले मैं तुमको रहने के लिए घर और तनख्वाह सब कुछ दूंगा, साथ ही अगर तुम पढ़ना चाहो या कुछ और करना चाहो तो मैं उसमें भी तुम्हारा साथ दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर किरण खुश हो जाती है, साथ ही फूलन भी उस आदमी की बात से पूरी तरह सहमत हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद किरण कारखाने के मजदूरों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। अब किरण न केवल दाल चावल बल्कि और भी बहुत कुछ बनाना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे किरण का काम बेहतर से बहुत बेहतर होता जाता है। फूलन और वह आदमी कुछ ही दिनों में एक अच्छा रिश्ता देख कर किरण के हाथ पीले करवा देते हैं, जिसके बाद किरण और उसका पति मिलकर माँ के दाल चावल के नाम का अपना बहुत बड़ा होटल खोलते हैं और मेहनत से अपना कारोबार करते जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सिंपल सी दाल चावल की स्टोरी? क्या आपको दाल चावल खाना पसंद है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें।